कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में झलकारी बाई की भूमिका निभा रही हैं टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। पर ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अंकिता की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रहती है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अंकिता बहुत जल्द अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। लेकिन अभी शादी के सवाल पर अंकिता ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। अंकिता ने खुलासा किया है कि फिलहाल उनका शादी का कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि सुशांत से ब्रेकअप के बाद से अंकिता बिजनेसमैन विक्की जैन को डेट कर रही हैं और दोनों जल्द शादी करेंगे। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट खुद अंकिता ने ला दिया। बॉम्बे टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने कहा है, अगर मैं शादी करती तो आपको जरूर बताती, और सिर्फ बताऊंगी ही नहीं बल्कि शादी में जरूर बुलाऊंगी। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। अंकिता का कहना है कि वो अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। बात करें अगर अंकिता की फिल्म मणिकर्णिका की, तो इसमें वो झलकारी बाई की भूमिका में दिखेंगी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई की सेना की एक दमदार योद्धा रही हैं। बाद में वो रानी की दोस्त और सलाहकार भी बन जाती हैं। झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से और रानी लक्ष्मी बाई की तरह कई मूर्तियां भी बनी हैं, जो फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी। अब पर्सनल फ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत से ब्रेकअप के बाद से अंकिता सिंगल हैं। लेकिन अचानक वो बिजनेसमैन विक्की के साथ लगातार नजर आने लगी। ऐसे में उनकी और विक्की की शादी की खबरें उड़ने लगी। लेकिन अब अंकिता ने खुलकर अपनी शादी की खबरों का खंडन कर दिया है। तो अब ये तो रही बात अंकिता की पर्सनल लाइफ की, लेकिन बात करें मणिकर्णिका की तो 25 जनवरी को रिलीज होने वाली अंकिता की ये पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि मणिकर्णिका को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं।